बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी, जो कि मैं बना रही हूँ बलोची कढ़ाई। तो यहाँ पे मैंने ली है एक टीस्पून भर के खुश धनिया पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च आधा टीस्पून, कसूरी मेथी एक बर टीस्पून, चाट मसाला आधा टीस्पून, आधा टीस्पून वाइट नमक, आधा टीस्पून पिंक सॉल्ट और एक टीस्पून मैंने ली है ज़ीरा पाउडर। एक प्याली मैंने दही ली है, ये है लहसुन, अदरक का टुकड़ा एक इंच, हरी मिर्चें और दो प्याज, और ये है चिकन आधा। ये मैंने थाई का पीस ली है। तो चलिए रेसिपी की तरफ। जी तो यहाँ पे मैंने ली है बर्तन, ढेर सारा ऑयल डाली है, इसमें ये ऐड करेंगे, अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। जी तो यहाँ पे हरी मिर्ची मैं निकालूँगी, ये जल्दी जल्दी फ्राई होती है। जी तो गोल्डन कलर आ गई है, इसको अब मैं निकालूंगी। देखिए माशाल्लाह। जी तो इसको मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, इसको चॉप कर लूंगी। जी तो वही और मैं चिकन को फ्राई करूंगी। तो कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। तो अब मैं ये पेस्ट शामिल करूंगी। देखिए माशाल्लाह, थोड़ा सा इसमें पकाएंगे। जी तो सारे मसाले ऐड कर लिया है मैंने। थोड़ा सा इसको पकाएंगे मसालों में। तो यहाँ पे मैं दही ऐड करूँगी, मिक्स करूँगी। चार पाँच मिनट इसको दही में पकाएंगे, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं, कम आंच पे। जी तो 25 मिनट हो गया। जी तो अब इसमें मैं हरी धनिया शामिल करूंगी। और अदरक थोड़ा सा इसी तरह। जी तो देखिए माशाल्लाह कैसी लगी रेसिपी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनों के साथ शेयर करें। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।